Hi guys, welcome to channel again. मेरा नाम है Vivu. And मैं हूँ नम-नम. और आज हम एक ऐसी सेडान के बारे में बात करेंगे जो 2021 में आई थी, लेकिन इसकी एंट्री 2001 में ही हो गई थी. Let's see how. Volkswagen Group 2001 में Skoda के साथ आया था, लेकिन Volkswagen 2008 में Audi के साथ में आया. 2021 के बाद में चार सेडान जो है वो Skoda ने लॉन्च करी, और वो थी Rapid, Laura, Octavia and Superb. ये जो आप Slavia वर्जन देख रहे हैं वो और कुछ नहीं, Rapid का ही एक अपडेटेड जनरेशन है. सो लेट्स रिव्यू Slavia टुडे और जानेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स पे ये उतरती है और कहां कहां आपको अभी भी लगेगा नहीं कुछ चीजें हैं जो अभी भी बचती हैं. तो चलिए जानते हैं क्या ये कार वुमेन्स के लिए कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती है या नहीं, सिटी ड्राइव में ये कितनी ज्यादा फेवरेबल है, और इसका स्पेस कितना ज्यादा है, परफॉर्मेंस, माइलेज एंड प्राइस क्या ये कार जस्टिफाई करती है भी या नहीं, देखते हैं. नम-नम, सबसे पहले प्रोज के बारे में जानते हैं, इस गाड़ी में क्या क्या प्रोज आते हैं. जस्ट लुक एट द डिजाइन गाइज, इसके प्रीमियम लुक्स, इसकी हेडलाइट देखिए आप, एकदम एग्रेसिव स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर रही है. देखने में ही लग रहा है कि ये गाड़ी कमाल भागती होगी. नम-नम, तुम्हें पता है इसके अंदर वैसे तो दो इंजन आते हैं, लेकिन ये वाला जो इंजन है दिस इज 1.5 लीटर TSI इंजन, क्या कमाल दौड़ता है सड़कों पे. व्यू, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हो, ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले प्रोवाइड करता है. इसका मतलब जैसे ही आप कार में बैठोगे ऑटोमेटिकली आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा और आपको वायर लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा. और ये वेंटिलेटेड सीट्स तो देखिए एक बार जरा, 40 डिग्री टेम्परेचर हो, 50 डिग्री टेम्परेचर हो, ये आपकी बैक को, आपकी अंडर थाई को हमेशा ही कम्फर्ट एंड कूलिंग प्रोवाइड करेगी. इसके साथ में आती है ये क्लिस्टर हेडलाइट यूनिट जो LED DRLs के साथ में ऑफर की गई है, एंड प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप के साथ साथ यू ऑल्सो गेट टर्न इंडिकेटर. काफी एग्रेशन देती है, पीछे से काफी ब्रॉड है, आगे होते हुए थिन होती हुई चली जाती है, एंड एक स्पोर्टियर कैरेक्टर इसको देती है. यानी कि एसयूवी के जैसे प्रैक्टिकलिटी एंड सेडान के जैसा परफॉर्मेंस. दोस्तों कुछ कॉन्स भी हैं जिनको हम आपके साथ में शेयर कर देते हैं, और आप चाहो तो उनको इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज़ दिस कार इज मेंट टू बी ड्रिवन. गाइस, इसके जो एसी के वेंट्स हैं वो तो काफी कमाल लगते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन ये जो कंट्रोल्स है ना ये थोड़ा सा टच सेंसिटिव है, एंड क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं नम-नम? वीवो, जब भी आप कार चला रहे हो कॉन्सेंट्रेट करते टाइम कार पे, आपको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये टच सेंसिटिव है, तो आपको एसी कंट्रोल करने के लिए नीचे देखना पड़ेगा, मतलब आपको सामने से ध्यान हटाना पड़ेगा अपना, यानी कि ये बनेगा डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा. बिल्कुल. इनफैक्ट एर्गोनॉमिकली वाइज ये डिजाइन तो ठीक ही गई, लेकिन कुछ बटन्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह प्लेस किए गए, जैसे कि ये लॉक अनलॉक का बटन, जिनको मुझे लगता है कि एटलीस्ट या तो ड्राइवर साइड होना चाहिए या फिर विंडो पे होना चाहिए. दोस्तों, जब आप हैंड ब्रेक को एक्सेस करना चाहोगे तो आर्मरेस्ट के साथ ये थोड़ा सा कंट्रोल करने में प्रॉब्लम करता है. इवन यहाँ जो आपका सीट बेल्ट का बक्कल है वहाँ भी आप एक बार में सीट बेल्ट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये आर्मरेस्ट यहाँ पे आपका फंसेगा. गाइस, सेकंड रो में स्पेस तो बहुत ज्यादा है, मतलब एक्चुअली में अच्छी स्पेस है, बट ये जो स्कूप्स हैं, ये स्कूप्स होने की वजह से जो फिफ्थ पर्सन है जो यहाँ पर एकोमोडेट होना चाहेगा वो कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा. रुको, मैं बैठ के दिखाती हूँ. यहाँ पे प्रॉपर थर्ड पर्सन को स्पेस नहीं मिल पाए, या हम ये कहें बैठने में कंफर्ट नहीं है, यही स्कूप होने की वजह से थोड़ा सा ऊंचा फील हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे नीचे यहाँ स्लाइड है और ये जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है. चलिए दोस्तों, द ग्रेट इंडियन रिव्यू को स्टार्ट करते हैं. प्रोज एंड कॉन्स तो हमने जान लिए हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं छोटी सी ड्राइव के साथ में, एंड फिलहाल नम-नम को बोलते हैं कि वो गाड़ी चलाए. वैसे स्कोडा जनरली इधर इंजन स्टार्ट ऑफ देती है, एंड आप कभी भी स्कोडा की गाड़ियों में यहीं पर इसको प्लेस होते हुए देखोगे, तो इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होने का. बंद कीजिए मोहतरमा. गाइस, मैं चला रही हूँ स्लाविया 1.5 और मेरे पीछे बैठा है वीवो. दोस्तों, मैं यहाँ पे कंफर्ट बताऊंगा और सोनम आपको बताएगी कि ड्राइव कैसी है इस गाड़ी की. गाइस, इसका जो इंजन है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, रिलायबल है. अगर आप एक अच्छा इंजन ऑप्शन देख रहे हो तो हाँ, स्लाविया एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. और पीछे अगर हम देखेंगे तो कंफर्ट के मामले में वैसे तो ये काफी अच्छा कंफर्ट फिलहाल दे रहे हैं. इसका जो सस्पेंशन है वो नाइसली ट्वीक किए गए हैं, और आपको कभी भी जो है वो अनकंफर्ट, अनइजीनेस महसूस नहीं होगी. नम-नम ने अपने हिसाब से अपनी हाइट जो है एडजस्ट की हुई है. यहाँ अगर आप मेरी हाइट के हिसाब से देखोगे तो बहुत अच्छा लेग रूम तो मुझे यहाँ पे ऑफर हो रहा है, और मुझे शॉफर ड्रिवन की फुल फील हो रही है. यहाँ पे मेरे ड्राइवर हैं और पूरे दिन मैं यहाँ पर जो है वो व्यतीत कर सकता हूँ. नम-नम, आप इसको, आप एसी को कितने मार्क्स दोगी, एसी कैसी परफॉर्म कर रही है? गाइस, फ्रंट रो में अगर बात करें तो एसी की कूलिंग एंड थ्रो दोनों ही काफी अच्छे हैं. अगर आप इसको 40 या 50 डिग्री टेम्परेचर में भी चलाओगे तो हाँ, थोड़ा सा टाइम लेगा ये ठंडा करने में, लेकिन केबिन को ये पूरी तरह ठंडा कर देगा.
ये तो मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ जो उसका सेकंड रो है वहां तक भी जो है वो अच्छा खासा कूलिंग यहाँ पे हो चुकी है। फिलहाल हम पिछले 10 मिनट से जो ड्राइव कर रहे हैं, उस लिहाज से कूलिंग काफी इफेक्टिव है। कूलिंग के मामले में मुझे लगता है इसको 10 on 10 मिलने चाहिए, या मैं कहूँ 5 में से हम मार्क्स दे रहे हैं तो 5 on 5। दोस्तों इसका जो इंजन परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत क्विक है। अगर आप इसको पिकअप की बात करें या ब्रेक्स की बात करें, ये बहुत जल्दी स्पीड कैच कर लेती है। इनफैक्ट अगर आप ओवरटेक करें, स्पीड में रेव करना चाहें तो भी आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। कार एंथुजियास्ट के लिए तो एक परफेक्ट एग्जांपल है ये गाड़ी। इसके अलावा इसका जो ट्रांसमिशन है वो भी काफी स्मूथ नजर आ रहा है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्विक शिफ्ट भी आप इससे कर सकते हो। इनफैक्ट जो ये पेडल शिफ्टर्स हैं वो मैनुअल मोड के लिए ही आपको दिए गए हैं, तो अगर आप चाहें तो मैनुअली इससे क्विकली रेव कर सकते हैं, क्विकली शिफ्ट कर सकते हैं गाड़ी को। हालांकि इसमें रियर में डिस्क ब्रेक्स नहीं ऑफर किए गए हैं, लेकिन अगर इसके ब्रेकिंग एफिशिएंसी की बात की जाए तो इसमें टॉप मार्क्स मिलेंगे। इसमें माइलेज 11 से 12 किलोमीटर पर लीटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिटी के अंदर, जबकि हाईवे में इजीली 17 तक पहुंच जाती है। गाइस मैं अगर पीछे कंफर्ट के बारे में बात करूं तो मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर जो बॉटल होल्डर्स वगैरह ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे आगे चल के। लेकिन जो सीट्स हैं ये लिटरली काफ़ी अच्छी हैं, मतलब इन पे आप रिलाई कर सकते हो, और स्पेशली क्योंकि ये चार सीट सीटिंग पोजीशन के साथ में इसको इसके जो सेकंड रो है वो बनाई गई है, चार इन द सेंस कि दो पीछे दो आगे, तो उस लिहाज से ये कंफर्ट तो आपको अच्छा देगी, और आप लंबे रास्तों पे थकोगे नहीं। आपको कम से कम ब्रेक्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे अपनी लॉन्ग डिस्टेंसेज में। एसी अच्छे होने की वजह से भी केबिन जो है वो कूल रहता है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नाइट व्यू में भी आप इसकी लाइट जो है वो बहुत अच्छी फील करोगे। मतलब हेडलैम्प यूनिट्स का जो थ्रो है वो काफ़ी स्ट्रेट है, स्ट्रीमलाइन है, और मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि एक जगह चुभे वो सैचुरेट होने लग जाता है, और इसी वजह से ये एक परफेक्ट गाड़ी उन लोगों के लिए भी बन जाती है जो नाइट में ज्यादा चलाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस में ज्यादा चलाते हैं। दोस्तों इसका जो फ्रंट व्यू है वो भी काफी अच्छा है, अगर आप सिटी या मार्केट के अंदर इसको निकालना चाहते हो तो बिना किसी असिस्टेंस के आप इजीली निकाल पाओगे। ORVM का साइज भी काफी अच्छा है, इसलिए आपको रियर व्यू में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मटेरियल क्वालिटी अच्छी होने की वजह से कम शिकायतें नजर आएंगी, और प्रोडक्ट डेफिनेटली ड्यूरेबल है। और गाइस सो हियर इज द डिजाइन। जैसे कि हमने डिजाइन के बारे में बात करी थी, हम जल्दी से चलते हैं इसके फ्रंट लुक की तरफ। आओ मेरे साथ। सो हियर इज द हेडलाइट यूनिट। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, इसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स जो है वो देखने को नजर आएंगे। अमेजिंग एलईडी DRLs विद द प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप एंड LED का सेटअप जो है वो इस्तेमाल किया गया है। सैडली फॉग लैंप यूनिट में जो है वो हैलोजन का इस्तेमाल किया गया है, बट वो नेसेसरी भी है कहीं ना कहीं। लेकिन आजकल लोग जो है वो कहां इतना ज्यादा फॉग में निकलते हैं, एक सीजन होता है केवल फॉग का, तभी उसी के लिए दी जाती है। वैसे तो जनरली लोग इसको आजकल जो है वो ज्यादा बड़ा थ्रो के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप नीचे देखो तो बहुत सारे हेक्सागोनल शेप्स आपको ऑफर होती हुई नजर आएंगी, बहुत सारी स्लैंट्स, एंड वही जो स्कोडा बेस्ड सिग्नेचर स्टाइल ग्रिल है, कमाल की लग रही है दोस्तों। अमेजिंग लुक्स है इसके फ्रंट से। क्या बोलती हूँ नमन, तुम्हें कैसे लग रहे हैं इसके लुक्स? विवो मुझे तो इसके फ्रंट लुक बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, देखने में बहुत लग्जरी एंड प्रीमियम फील कराती है, लगता है जैसे 40 से 50 लाख की गाड़ी है। इसमें मुझे सबसे बढ़िया लगा इसका लावा ब्लू कलर, एकदम एलिगेंट, यूनिक एंड द मोस्ट डिजायरिंग वन। दोस्तों ये है इसकी साइड प्रोफाइल, ये 4.5 मीटर की गाड़ी है, बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा ब्रॉड भी है। अगर हम ब्रॉड के बारे में बात करें तो 1.7 मीटर्स की इसकी जो है वो विड्थ यहाँ पर दी गई है, एंड हाइट जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 मीटर के करीब है। लेकिन द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। जस्ट चेक आउट दिस ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब मेरे एक हाथ से भी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आ रहा है इधर से की 1.25 टाइम्स ऑफ माई हैंड ही जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 179 मिलीमीटर, जो अगर देखा जाए तो एक्चुअली कंपेरेबल है कुछ सेगमेंट में आने वाली SUVs की, या मैं कहूँ सूड SUVs की, जिनमें से XUV3 101 है, या मैं पंच को कहूँ 187 मिलीमीटर की यहाँ पर ऑफर करता है, एंड 185 मिलीमीटर की जो है वो एक्स्टर भी ऑफर करती हुई नजर आएगी। इज़न्ट दिस अ ग्रेट ग्राउंड क्लियरेंस, क्या बोलती हो? बहुत ही अमेजिंग। हाँ यार, इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मतलब आप इसको माउंटेन्स पर लेके जा सकते हो। सोचो आप एक सेडान को लेके जा रहे हो लद्दाख में, मनाली में, ऋषिकेश में, देहरादून में, और कहाँ कहाँ नहीं। बहुत ही प्रीमियम लगने वाले ये डायमंड कट अलॉय व्हील। डायमेंशन की अगर बात करें तो 205/55
R16 के ये टायर्स आते हैं। इंटीरियर्स में चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वो रेड टेप दी गई है जो कि रिफ्लेक्टर टेप है, और ये इसलिए दी गई है ताकि आप हाईवे में कभी भी दरवाजा खोलें और अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल रहे, फॉर एग्जांपल आपको पंचर वगैरह रिपेयर करना है, स्पेयर व्हील टायर जो है वो चेंज करना है, इस वजह से ये पीछे हमेशा रिफ्लेक्टर दे रहे हैं और पीछे वाले आने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं वो कॉशियसली वहां से थोड़ा हट जाए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक और रबर, ताकि पानी वगैरह जो है वो अंदर तक ना जाए अगर ये किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाती है। नम नम बताओ, इसके डोर हैंडल पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलता है एक सॉफ्ट टच, यहाँ आप देखेंगे एक पियानो फिनिश मिलेगा, हैंडल बार पर क्रोम फिनिश मिलता है, यहाँ पर देखेंगे तो बॉटल होल्डर प्रोवाइड किया गया है। वैसे तो इसमें ये मैनुअल सीट्स हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिक सीट्स भी इसमें ऑफर कर दी गई हैं। दोस्तों इसमें दिया गया है ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प का टॉगल, और यहाँ से आप उसको जो एक्सेस कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर भी है, एक थोड़ी हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पे जो है इस्तेमाल किया गया है, बट बाकी चीजें तो नम नम बताएंगी। चलो अंदर चलते हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट बटन इस साइड भी दिया गया है, सो दिस इज अ ग्रेट थिंग। चलिए दोस्तों अब इंटीरियर जरा चेक करते हैं, बताइए। वीवो इसकी जो स्टेयरिंग व्हील है उस पे लेदर टच प्रोवाइड किया गया है, एंड साथ ही साथ पेडल शिफ्टर्स भी नीचे दिए गए हैं जिसमें आप इजीली इसको मैन्युअली कंट्रोल कर पाएंगे। वीवो साथ ही साथ इसमें अगर आप देखोगे बहुत सारे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड जो कंट्रोल्स हैं वो इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, राइट साइड वाले कंट्रोल आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एसी के वेंट्स दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टली माउंटेड है, बट दीज आर द रियल एसी वेंट्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर्कुलर माउंटेड ये एसी वेंट्स आपको देखने को नजर आएंगे। यहाँ पर हल्का सा आपको लगेगा कि चीप क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है, कुछ ऐसी आवाजें करते हैं। स्कोडा की मुझे सबसे बढ़िया चीज लगती है इसका हॉर्न, अच्छी पिच है। वैसे हॉर्न में कोई भी इशू नहीं है, अगर आप ओवरटेक कर रहे हो तो हमारे आपके पास में हमेशा से एक डोमिनेटिंग पावर रहती है। IRVM जो है वो आपको फ्रेमलेस देखने को नजर आएगा, बहुत अच्छा लगता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा का पूरा डिजिटल प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिल सकती है, स्पीडोमीटर, डिस्टेंस टू MT, माइलेज, डैशबोर्ड सिंबल, ट्रिप मीटर, एंड तमाम चीजें आपको मिलती है। क्रूज कंट्रोल के लिए ये वाले कंट्रोल जो है यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। वीवो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो अच्छे टच स्क्रीन के साथ में आता है, अगर आप इसको टच करके फील करेंगे तो बहुत इजीली आप एक्सेस कर पाएंगे। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले भी आपको वायरलेस प्रोवाइड किया गया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। एक ग्लव बॉक्स भी ऑफर किया गया है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो कूल ग्लव बॉक्स का फीचर ऑफर किया गया, बट ये डिसेंट साइज का है, अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगा। इंटीरियर्स के मामले में नो डाउट काफी अच्छे इंटीरियर्स दिए गए हैं, हल्का सा हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है जो लॉन्ग लास्टिविटी तो जरूर इसके अंदर लेके आएंगे, और साथ ही साथ एक लोगो भी और ये स्पेस। लेकिन आपने लोगो के फेवरेट फीचर के बारे में तो बात नहीं की, वो है इसका सनरूफ। बताइए। इसका सनरूफ तो काफी अच्छा है, हालांकि पैनोरामिक सनरूफ होता तो और भी ज्यादा बेहतर होता। नहीं, इस सेगमेंट में हाँ पैनोरामिक सनरूफ अभी स्टार्ट ही हुआ है। XUV 3XO अगर आप देखोगे तो उसमें स्टार्ट हुआ है, सब कॉम्पैक्ट SUV में, बट अभी भी सेडान में पैनोरामिक सनरूफ फिलहाल कोई ऑफर नहीं कर रहा है सैडली। एनीवे आप यहाँ से जो है वो इनको कंट्रोल कर सकते हो, आप चाहो तो इसको कम्प्लीटली ऊपर कर सकते हो या फिर आप चाहो तो हल्का सा ओपन कर सकते हो, तमाम फीचर्स आपको यहीं पर ऑफर होते हुए नजर आएंगे। एंड ये हैं कुछ बटन जो थोड़े से हार्ड जरूर है, बट इट गेट्स द जॉब डन, और LEDs का इस्तेमाल यहाँ पर जो है वो किया गया है। इसकी सेकेंड रो में चले, बिल्कुल चलते हैं देखते हैं। गाइस ये है इसकी सेकेंड रो, और गेट जो ओपन होते हैं कोई प्रॉब्लम उनमें नहीं होती है। यहाँ कैसा फील हो रहा है? काफी स्पेशियस है, अंडर था सपोर्ट सीट में बहुत अच्छा है। अगर किसी की हाइट ज्यादा है तो बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी जो हाइट है वो 5'4" है, उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे काफी अच्छा हेडरूम प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पर। इसके जो स्कूप प्रोवाइड किए गए हैं पीछे रो में, उसमें अगर सिर्फ दो लोग बैठते हैं तो उनको बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड होगा पीछे भी। पीछे ऑफर किए गए हैं इसी के वेंट्स, और आप इन वेंट्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हो, आप चाहो तो उनको क्लोज कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। लेकिन आपको पीछे जो है वो दो USB-C टाइप स्लॉट्स भी दिए गए हैं, कोई 12 वोल्ट का DC सप्लाई नहीं है, वो ज़रूर मैं यहाँ पर देख रहा था। लेकिन डेडिकेटेड आपके पास में यहाँ पर जो है वो लैम्प्स भी ऑफर किए गए हैं, कोट हुक के साथ में आने वाले ग्रैब हैंडल्स काफी अच्छे लग रहे हैं। मुझे इसमें एक स्पेशल चीज बहुत अच्छी लग रही है, इसके सीट के पीछे अगर आप देखोगे छोटा सा एक पॉकेट दिया हुआ है, जो जिसमें आप अपने कार्ड जैसे कि ये पेन रखा हुआ है पेन रख सकते हो इजिली, आपको इतने बड़े पॉकेट में ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। ये वैसे जनरली आप देखें तो मोबाइल होल्डर का काम करते हैं, और आप यहाँ पे मोबाइल भी अपना रख सकते हैं, और साथ ही साथ जैसे नवनम ने बताया कि वो अपना विजिटिंग कार्ड भी यहीं रख पाएंगे। हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल दिए गए हैं, तो वैसे तो नमनम की हाइट के हिसाब से वो प्री एडजस्टेड था, बट आप चाहो तो उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। यू ऑल्सो गेट 2 कप होल्डर्स हेयर ऑन द आर्मरेस्ट, आप इजिली जो है वो रेस्ट कर पाओगे अपने हाथ, और वो तमाम चीज़ें
यहीं पर ऑफर हो रही है। कुछ चीजें इसके अंदर मिसिंग भी है, जिनमें से ये सनशेड्स भी हैं। अगर यहाँ पर सनशेड आ जाती तो मुझे लगता है कि रोशनी थोड़ी कम आती, जैसे कि आप बाकी गाड़ियों में भी आजकल देखने लगे हो। सीट से जो बूट का एक्सेस होता है वो जनरली आप सेडान्स में देखते हो, बहुत सारी गाड़ियों में आती है, वो यहाँ पे फिलहाल मिसिंग है। लेकिन रिक्लाइन एंगल हो या मेरे जैसे हाइट के लोग हो जिनकी हाइट 5 फुट 10 इंच के आसपास है, उनको यहाँ समस्या नहीं होगी। हेडरूम जो है वो डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकता लेकिन खराब तो एटलीस्ट नहीं है, बहुत आपको डिसेंट हेडरूम भी यहाँ पर देखने को नजर आएगा। एंड रिक्लाइन एंगल इज डेफिनेटली गुड। मैं यहाँ पर जो है वो ईजिली 4 से 5 घंटे बैठ सकता हूँ, यहाँ पर जो है वो ईजिली अपने टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। दोस्तों कंक्लूड करते हैं और देखते हैं किनके लिए गाड़ी बनी है। नम, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस कार को लेके? वीवो जिनको ड्राइव चाहिए गाड़ी में, ड्राइव डायनेमिक्स चाहिए गाड़ी में, वो इस गाड़ी को बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, ये इंजन तो नो डाउट ऐसा है, आप 1.5 TSI खरीद रहे हो। इसके अंदर एक और टेक्नोलॉजी आती है जो हमने नहीं बताया, उसको कहते हैं एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। यानी कि अगर आपको गाड़ी धीरे धीरे चलानी है, सिटी में चलानी है, तो केवल 2 सिलेंडर पे चलेगी, जो बाकी के 2 सिलेंडर है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या बढ़ेगा, माइलेज बढ़ेगा। एक्चुअली जो इसका माइलेज है वो तकरीबन 20 किलोमीटर पर लीटर के करीब है, जो इसको नॉर्मल 1.0 TSI से भी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बना देता है। और चीजें भी हैं जो इसके अंदर मिसिंग है, जैसे कि ADAS इसके अंदर होना चाहिए था। आने वाले अपडेट में अगर ADAS आता है, Volkswagen लेके आता है, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी रहेगी। वैसे तो ये एक 5-स्टार रेटेड गाड़ी भी है, क्रैश टेस्ट हो चुका है इसका, बहुत सेफ है ये। और आपको क्या अच्छा लगता है इसमें? लुक्स तो इसके इम्प्रेसिव है ही, बल्कि इसका गियर बॉक्स भी जो है वो बहुत इम्प्रेसिव लगा मुझे। हाँ, DSG जो है वो अब आई थिंक रिलायबिलिटी फैक्टर के साथ में इंट्रोड्यूस किया है स्क्वाडा ने। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। अगर आप मैडम को नमनम को देखना चाहते हो तो डेफिनेटली गिव इट अ सब्सक्राइब बटन, और हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप ध्यान रखें, अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप ऑन कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, थैंक यू एवरीवन।